हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए, स्टडी के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो बहुत से पेरेंट्स को भी स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चों के एग्ज़ाम कैसे रहेंगे। उनके लिए भी काफ़ी परेशानी हो जाती है जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। बच्चों के ऊपर तो प्रेशर रहता ही रहता है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर उतना ही होता है, इतना वो सोचते हैं। और आज की रीडिंग मैं आप दोनों के लिए करने वाली हूँ, आपके लिए भी अच्छी होगी। और आप किस तरह से अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को सपोर्ट कर सकते हो, बैक सपोर्ट कैसे रखना है आपको, ताकि वो भी एग्ज़ाम को लेके प्रेशर में ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हम बच्चों के ऊपर दे देते हैं कि वो चाह के भी स्टडी नहीं कर पाते, फियर्स की वजह से इतना प्रेशर उनके ऊपर हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये दिखाना चाहती हूँ कि वो ये रीडिंग देखें और समझें बच्चों के लिए भी कि उस वक्त बच्चे के मन पर क्या क्या बीतती है। ठीक है, जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो बच्चे की एनर्जी क्या होती है, वो क्या समझता है, वो क्या फील करता है, और उस तरह से ही मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अपने बच्चों को बैक सपोर्ट कैसे रखेंगे एग्ज़ाम में। ना तो आप पैनिक होंगे, ना ही आप अपने बच्चों को पैनिक होने देंगे, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाए। रिजल्ट आप बाद में टेंशन लीजिए, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। हम किस तरह से इस सिचुएशन को डील करेंगे बिना प्रेशर के, किस तरह से आपका बच्चा एक शांतिपूर्ण जगह पर बैठ के पढ़ाई कर सकता है जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, मैं उसकी बात करूंगी आज की इस रीडिंग के लिए। पेरेंट्स के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आज की ये रीडिंग इंटरेस्टिंग भी है, मैं पहली बार ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। किसी ने एक्चुअली मुझे बोला था कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, तो मुझे उनका टॉपिक अच्छा लगा, तो कुछ रेमेडीज़ भी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है, कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से हीलिंग सीख चुके हैं, देखिए उनको तो तरीके बहुत सारे पता है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स को भी आज कुछ छोटे मोटे टिप्स देने वाली हूँ जो इजी भी रहें आपके लिए करना, और आपके बच्चे बिना प्रेशर के स्टडी पे ध्यान लगा पाएँ और उनका दिमाग इधर उधर की बातों पर ना भटके, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी स्पिरिट से यही पूछना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चे का जो मन होता है, जो माइंड होता है, वो कैसा होता है, क्या क्या चलता है उसके दिल में, दिमाग में, ठीक है, उनकी कंडीशन के बारे में अब बात करेंगे। देखिए, मैं जैसे ही कार्ड देख रही हूँ तो मुझे इस तरह के ही कार्ड दिख रहे हैं। इस कार्ड को मैं बार बार इग्नोर कर रही हूँ, बार बार मेरे सामने आ रहा था शफलिंग के टाइम पे भी। मैं दोबारा से शफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैं इस वक्त मेंटल एनर्जी चेक करूँगी, बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रेशर रहता है स्टडी के टाइम पे। थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, बच्चों को शायद ग्रुप स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, आजकल के बच्चों को ग्रुप स्टडी करनी है। द मैजिशियन, वेरी गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। देख रहे हैं कितनी ऑपोजिट एनर्जी आई है। एक तरफ मैजिशियन कार्ड आया है हमारे पास मेजर आर्काना से, और एक तरफ आया है डेविल। ये भी मैंने कार्ड देख लिया था शफलिंग के टाइम पे, लेकिन मैंने सोचा ये दोबारा जब आएंगे मैं तभी इनको रीड करूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ऐसा तो दिख रहा है डिजायर, सपना, क्योंकि रिजल्ट में परसेंटेज का सबका सपना होता है कि मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, मुझे इतने नंबर्स चाहिए, तो इस चीज के बारे में सोचते हैं हमारे बच्चे। आपके बच्चे ये सब चीजें देखते हैं, सोचते हैं नंबर्स के बारे में कि उनका रिजल्ट अच्छा हो, इस तरह की डिजायर उनकी रहती है। ये कार्ड मुझे, इस कार्ड ने मुझे ये इंडिकेट दिया है कि उनके अंदर एक डिजायर होती है कि मुझे इतना अचीव करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए वो बैलेंस बना के चलने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे डेविल कार्ड है, तो ये मुझे यही दिखा रहा है कि आपको
अपने बच्चे के ऊपर आप देखिए इस इमेज को ध्यान से कि यहाँ पे क्या आपको आ रहा है। देखिए मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि मैसेज क्या है। आप भी देखिए, एक तरफ पेरेंट्स हो जाते हैं, एक तरफ टीचर हो जाते हैं और बच्चा बीच में फंसा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को नहीं डालना, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर आप प्रेशर डालें उनके ऊपर, नंबर्स की बात करें, आप उनके साथ नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उनके साथ परसेंटेज के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या होता है कि हम प्रेशर इतना डाल देते हैं कि कुछ भी होता है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, इस तरह से बोल बोल के ना बच्चे को इरिटेट भी हो जाते हैं, तो उनके अंदर आ जाता है गुस्सा, गुस्सा भी आता है, आपने खुद भी नोटिस किया होगा। तो हमको इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि हाँ इतनी पढ़ाई करी है, तो थोड़ा सा उनको भी टीवी देखने का 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, आधा घंटा टाइम दे सकते हैं, गेम खेलने का टाइम दे सकते हैं। इससे देखिए उनको अच्छा फील होगा, ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। वो शायद आपको उतना खुल के बता भी नहीं पाते, उनके अंदर इतनी एंग्जाइटी होती है, उनके अंदर इतने फियर्स होते हैं। ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है यहाँ पे कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अपने डर को। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने स्टडी नहीं की है, बट वो स्टडी कर भी नहीं पाता है प्रेशर की वजह से, कि अगर नहीं भी की तो चलो अब कर ले वो रिवाइज, बट उनसे होता नहीं है क्योंकि वो डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से वो चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं। चाहते तो वो बहुत कुछ है कि हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से, देखिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, आप जो उनको बोलते हो करने के लिए, पेरेंट्स को खुश करना की डिज़ायर बच्चे में होती है उस वक्त भी, कि मुझे ऐसा तो करना है कि मेरे मम्मी पापा खुश हों, ठीक है, मेरे टीचर खुश हों, उनको प्राउड हो, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बोलो कि 24 घंटे पढ़ाई कर, पढ़ाई पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर भी थोड़ा सा गैप देना आपकी भी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बनाना ठीक नहीं है। हेरोफेंट कार्ड आया है और आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे माँ की ही एनर्जी लगती है, क्योंकि हम रीडिंग भी वैसे कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक दिखाता है कि माँ डिसीजन तो लेती है, प्लानिंग तो करती है, डेफिनेटली ये आपके हाथ में है, ये कमांड पूरी आपको अपने हाथ में ही लेनी चाहिए कि आपको अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितनी देर उनको पढ़ने देना है और कितना उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है। यहाँ पे लॉजिक भी दिख रहा है कि हाँ आप प्रैक्टिकल होके भी सोचते हो, ठीक है, बट आप डांटते ज़्यादा हो, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी होती है कि रोबदार, डांटने वाली, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। हेरोफेंट भी दिख रहे हैं, उनके टीचर भी मुझे दिख रहे हैं, दोनों का ही सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप घर का इन्वायरमेंट पहले तो सबसे पहले अच्छा बना के रखिए। अगेन मुझे मदर फिगर ही दिख रही है, यही सब कार्ड्स आ रहे हैं, फीमेल फिगर मुझे बार बार आती जा रही है। गाइडेंस मेरी कार्ड निकाल रही हूँ मैं आपको, कंडीशन तो मैं बता चुकी हूँ बच्चे के लिए। अब आप एक माँ हैं तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। आपको अपने टीचर्स, अपने बच्चों के टीचर से बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है, आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रेशर बच्चे पे डालने के बजाय आप एक बार टीचर से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके उनके टीचर आपको बताएंगे, आपको इतना गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आ रहा है, ये मुझे वही दिखा रहे हैं कि एक शिक्षक है और यहाँ पे दिखा रहा है कि एक माँ है। और अगेन मुझे दिखा रहा है कि लॉजिकल और इमोशनल आपको तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे पहले से इतना परेशान हो जाते हैं, पहले से उनके अंदर फियर
इश्यूज हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी हो जाती है एग्जाम को लेके, एक्चुअली में आपको तो इमोशनल और मेंटल लेवल पे बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं कि बच्चा परेशान है तो आप उनको और परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आप टीचर से बात करेंगे, बच्चे के ऊपर ना ज़्यादा प्रेशर डालें कि टीचर से पूछे कि किस सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप उस तरीके से अपने बच्चे को स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। उनका एक आप बना सकते हैं कि कौन सा लेसन उसने रीड करना है, कब रीड करना है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल बनाने में आप उनकी हेल्प करिए, ठीक है। आप उनके साथ बने रहिए, जब एग्ज़ाम है तो आप ध्यान रखिए घर का माहौल भी अच्छा हो, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पे मदर फिगर है, तो मैं माँ को ही बोलूँगी यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आपको घर का माहौल ऐसा बनाना है कि बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना आए किसी भी चीज का। घर का माहौल आपको आपस में भी अच्छा बना के रखना है, ठीक है, फैमिली में भी अच्छा माहौल, खुशी वाला माहौल बना के रखना है, और इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों में ही बैलेंस बना के चलना है। अगर कोई परेशानी है आपको टीचर से भी बात करते रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कोई टीचर है, ठीक है, और माँ और टीचर की ही मेरे पास आ रही है एनर्जी, तो मैं गाइडेंस में आपको यही बोलना चाहती हूँ। आप उनके लिए टाइम टेबल सेट कीजिए, उनके लिए पढ़ाई का टाइम देखिए कितने घंटे उन्होंने पढ़ना है, जब वो पढ़ेंगे तब तक कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए हमारे पास फादर की भी आ गई है, तो फादर का भी सपोर्ट रहता ही है डेफिनेटली, आप दोनों को मिलके ही बच्चों को संभालना है। एक मेरे पास फादर फिगर भी है, एक मेरे पास मदर फिगर भी है, तो डेफिनेटली अगर आप भी आपस में प्यार से रहिए उन दिनों, ठीक है, घर में अच्छा माहौल बना के रखिए, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरी चीज़, उनके डर ऑफ फियर्स की वजह से मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं इसके अलावा, जो मैंने गाइडेंस तो आपको टैरो के माध्यम से दे ही दी है, बट मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताना चाहती हूँ। ये रेमेडीज़ ये है कि थोड़ा सा ना अपने बच्चों को आप 10 मिनट्स के लिए कोई हीलिंग म्यूजिक लगा सकते हो, ठीक है, उसका मन चाह तो, अगर आपको दिख रहा है, आप हाव भाव देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो कोई हीलिंग म्यूजिक आप लगा सकते हो उनके रूम में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, उसके बाद उनको स्टडी करने के लिए बोलें। दूसरी चीज़, अगर उनको आप नंगे पाँव चलने के लिए बोलें, ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, म्यूज़िक नहीं करना है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आप उनको नंगे पाँव ज़मीन पे चलने के लिए बोलें, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट पार्क में जा सकते हैं, उनको लेके जाइए, थोड़ा सा सैर करेंगे और फिर आके वो स्टडी पे बैठे ध्यान लगाए, ऐसे भी कर सकते हैं। और जब तक कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर वीरवार को आपको क्या करना है, चने की दाल को पीले कपड़े में बांध के रखना है और आपको जाके मंदिर में चढ़ाना है, आप लक्ष्मी जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आप बृहस्पति के मंदिर अगर आपको मिलता है तो उस पर भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप लक्ष्मी जी के मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर सरस्वती माता का मंदिर है आप वहाँ पे भी जाके पूजा उनके नाम से कर सकते हैं। ये आपको तब तक करना है चने की दाल पीले कपड़े में लपेट के, अगर आप डेली नहीं जा सकते हैं वीरवार के दिन, ठीक है, अगर आप डेली नहीं जा सकते हैं तो वीरवार के दिन करना है ये, तो आप क्या करेंगे, आप हर वीरवार को बांध के घर में रख लीजिए, एक साथ जब हो जाए आपका एग्जाम हो जाते हैं तब आप जाके एक साथ सब चढ़ा देना वहां पे। तो ये एक छोटी सी रेमेडीज है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताती हूँ, अगर मैं क्रिस्टल आपको सजेस्ट करूँ, आपको बच्चे को एग्जाम के दिनों में एमिथिस्ट देना चाहिए, आप उनके स्टडी टेबल पे रखाइए एमिथिस्ट, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये होता है एमिथिस्ट। आप इस क्रिस्टल को, ये वॉन्ड है, किसी भी फॉर्म में आता है, टम्बल या स्टोन, ठीक है, उसकी फॉर्म में भी आता है और रो में भी आता है, आप किसी भी तरह का ब्रेसलेट भी आता है, किसी भी फॉर्म में उनको दे सकते हैं जब वो स्टडी करने बैठे। इससे क्या होगा, मेंटल पीस उनको मिलेगा, स्ट्रेस नहीं होगा और दिमाग पढ़ाई में लगेगा, इधर उधर मन नहीं भागेगा। तो ये आप रेमेडीज़ मेरी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के दिनों में अपने बच्चों के लिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, मेरा ये जो मैंने एफर्ट्स लिया है, हो सकता है आपको पसंद है, अगर कुछ कमी भी रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।